हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स मैथमेटिकल इंडक्शन का। तो हम सबको याद है हमें क्या करना है मैथमेटिकल इंडक्शन में। क्या होता है, सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि पी ऑफ वन के लिए जो पी ऑफ एन हमारा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। उसके बाद हमें अज्यूम करना होता है कि के के लिए फॉर एन इक्वल्स टू के कोई, और वहाँ पे के क्या है, के बिलोंग्स टू एन विच इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो फॉर एन इक्वल्स टू के पी ऑफ के इज़ ऑल्सो ट्रू, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। ओके, अगर ये अज्यूम कर रहे हैं तो इसको हम इक्वेशन नंबर वन बोल देंगे। उसके बाद हमें प्रूव करना है कि अगर एन इक्वल्स टू के लिए पी ऑफ के ट्रू है तो पी ऑफ के प्लस वन भी ट्रू होगा। मतलब वैन एवर पी ऑफ के इज ट्रू, वी विल गेट द पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू। ओके, अगर ये प्रूव हो रहा है तो हमारा जो स्टेटमेंट है, गिवन स्टेटमेंट पी ऑफ एन, वो ट्रू होगा। राइट, तो हमने बहुत सारे, काफ़ी सारे एग्जांपल्स कर लिए हैं, तो और भी एग्जांपल्स आज देखते हैं। ओके, तो क्या है फर्स्ट एग्जांपल, मैं फिर से वही डायरेक्ट लिख रही हूँ पी ऑफ एन, जो बाकी के बीच वाले जो हमें लाइंस लिखनी है वो सब आप लोग अब खुद लिखेंगे। राइट, तो हमने लास्ट में कर दिया है, क्यों, क्योंकि इससे जितना टाइम बच जाएगा, अगर टाइम बच जाएगा तो इतने ज़्यादा एग्जांपल्स हम सॉल्व कर पाएंगे, उतनी ज़्यादा ही हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसलिए बीच वाली जो लाइंस है वो आपको लिखनी है, और हाँ कंपलसरी उसको लिखना है। अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो ऐसा मिस्टेक मत कीजिए, क्योंकि इसके ही मार्क्स है। अगर आप वो नहीं कर पाएंगे तो आपके मार्क्स में इश्यू हो सकता है। ओके, तो क्या है हमारा फर्स्ट वन, फर्स्ट एग्जांपल है वन इंटू टू इंटू वन इंटू टू प्लस टू इंटू टू स्क्वायर प्लस थ्री इंटू टू रेस टू थ्री प्लस अप टू एन इंटू टू रेस टू एन इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू टू रेस टू एन प्लस वन प्लस टू। ओके, तो ये हो गया हमारा पी ऑफ एन। तो पूरा क्वेश्चन तो आपको पता है कैसे लिखना है, लेकिन मैंने जो हमारा फर्स्ट स्टेप है विच इज गिवन पी ऑफ एन इज दिस, तो मैंने वो पहले लिख दिया है। तो सबसे पहले वी विल प्रूव फॉर एन इक्वल्स टू वन पी ऑफ वन इज ट्रू। ओके, सो फॉर एन इक्वल्स टू वन पी ऑफ वन क्या हो जाएगा, वन इंटू टू विच इज इक्वल्स टू टू। अब हम जाएंगे राइट हैंड साइड के ऊपर, राइट हैंड साइड में है वन माइनस वन। ओके, तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा, ज़ीरो इंटू टू रेस टू वन प्लस वन है, उसका कोई मतलब नहीं हो रहा है क्योंकि ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा, तो ये जीरो प्लस टू क्या हो जाएगा, टू। सो देयरफॉर पी ऑफ वन इज ट्रू, ये हमें मिल गया। सो नाउ नेक्स्ट वन इज, यस, अज्यूम दैट फॉर एनी के बिलोंग्स टू एन पी ऑफ के इज ट्रू, सो देयरफॉर पी ऑफ के इज वन इंटू टू प्लस टू इंटू टू स्क्वायर प्लस थ्री इंटू टू क्यूब प्लस अप टू के इंटू टू रेस टू के इज इक्वल्स टू के माइनस वन इंटू टू रेस टू के प्लस वन प्लस टू, और इसको हम बोलेंगे हमारा इक्वेशन नंबर वन। सो नाउ वी शैल प्रूव दैट पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू वैन एवर पी ऑफ के इज ट्रू। ये हमने कल भी किया हुआ है, पहले भी किया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, हमें प्रूव करना है पी ऑफ k प्लस वन इज टू। सो वी विल प्रूव दैट नाउ, तो p ऑफ k प्लस वन इज इक्वल्स टू वन इंटू टू प्लस टू इंटू टू स्क्वायर प्लस थ्री इंटू टू क्यूब अप टू k इंटू टू रेस टू k प्लस k प्लस वन इंटू टू रेस टू k प्लस वन। ओके, सो विच इज इक्वल्स टू, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन वी कैन राइट, यहाँ तक हमारे पास इक्वेशन नंबर वन है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन वी कैन राइट दैट वन इंटू टू अप टू के इंटू टू रेस टू के इज इक्वल्स टू के माइनस वन इंटू टू रेस टू के प्लस वन प्लस टू। ओके, प्लस के प्लस वन इंटू टू रेस टू के प्लस वन। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, देखें प्लस टू हमें लाना क्या है, यहाँ पे ये जो हमारे पास है ये हमें लाना है। ओके, अब हमें ध्यान में वही रखना है कि हमें यहाँ पे n की जगह पे k प्लस वन आए, ऐसा हमें लाना है। मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए, n माइनस वन, मतलब k प्लस वन माइनस वन विच इज़ k इंटू टू रेस टू k प्लस वन प्लस वन दैट इज़ k प्लस टू प्लस टू। तो प्लस टू हमारे पास ऑलरेडी ये यहाँ पे है। ओके, तो अब इन दोनों को मैं आगे कर लूँ तो क्या मिलेगा, k माइनस वन टू रेस टू k प्लस वन प्लस k प्लस वन इंटू टू रेस टू के प्लस वन प्लस टू। अब देखिए इन दोनों में से क्या हो रहा है, यस,
कॉमन निकल रहा है विच वन इज 2 raised to k plus 1। सो इन ब्रैकेट के माइनस वन प्लस के प्लस वन ओके प्लस टू। अब ये माइनस वन प्लस वन विल कैंसिल आउट, सो वॉट वी हैव 2k into 2 raised to k plus 1 प्लस टू। सो 2 into 2 raised to k plus 1 इज k into 2 raised to k plus 2 प्लस टू। देखिए आ गया क्या आया, k into 2 raised to k plus 2 प्लस टू, विच कैन वी कैन राइट दैट k plus 1 माइनस वन इंटू 2 raised to k plus 1 प्लस वन प्लस टू। तो ये हो गया हमारा। सो वी कैन राइट दैट हैंस पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू वैन एवर पी ऑफ के इज ट्रू, एंड देयरफॉर वी कैन राइट दैट द स्टेटमेंट पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर एनी एन बिलोंग्स टू एन। नेक्स्ट वन इज पी ऑफ एन इज डिफाइंड एज 1/2 + 1/4 + 1/8। देखिए क्या हो रहा है, 2 की पावर बढ़ रही है राइट। तो अप टू क्या होगा, 1/2 raised to n इज इक्वल्स टू 1 - 1/2 raised to n। ये हमें प्रूव करना है। तो एज यूजुअल हम क्या करेंगे, फॉर एन इक्वल्स टू वन हम पहले प्रूव करेंगे, पी एन इक्वल्स टू के लिए अज्यूम कर देंगे और के प्लस वन के लिए फिर से प्रूव करेंगे ओके। तो सेम थिंग पी ऑफ वन क्या हो जाएगा, देखिए पूरी जो बीच में लाइंस है वो सब आप लोग लिख लेंगे, मुझे अब तो पूरा भरोसा है आप लोगों के ऊपर, यू आर वेरी इंटेलिजेंट ओके। सो पी ऑफ वन इज 1/2 राइट, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, 1 - 1/2 फॉर एन इक्वल्स टू वन। सो 1 - 1/2 इज 1/2, देयरफॉर पी ऑफ वन इज ट्रू हो गया। अब क्या होगा, फॉर एन इक्वल्स टू के अज्यूम दैट पी ऑफ के इज ट्रू वेर के इज बिलोंग्स टू ए, के बिलोंग्स टू एन, मतलब के इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या हो जाएगा, पी ऑफ के इज 1/2 + 1/4 + 1/8 अप टू जाएगा 1/2 raised to k इज इक्वल्स टू 1 - 1/2 raised to k। गिव इट इक्वेशन नंबर वन, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सो नाउ वी शैल प्रूव दैट फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस वन पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू वैन एवर पी ऑफ के इज ट्रू। सो वी विल प्रूव फॉर पी ऑफ के प्लस वन फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस वन। So if we put n equals to k plus 1, what we have, p of k plus 1 is 1/2 + 1/4 + 1/8 up to 1/2 raised to k + 1/2 raised to k plus 1 okay। Now from equation number 1 what we have, 1/2 से लेके 1/2 raised to k के लिए हमारे पास value है। So from equation number 1 we can write that 1 - 1/2 raised to k plus 1/2 raised to k plus 1। अगेन वी विल गो फॉर द क्वेश्चन, क्या लाना है हमें, 1 - 1/2 raised to k plus 1 ओके। तो ये 1 - 1/2 raised to k plus 1 हमें चाहिए, बीच वाला नहीं चाहिए, ऐसे निकाल नहीं सकते ना इसको। हाँ तो कुछ तो करना पड़ेगा, क्या करेंगे, यस हम ऑलवेज क्या करते हैं, 1 तो हमें चाहिए ही चाहिए राइट। माइनस, अब इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ होना चाहिए कि जिससे हमें मिलेगा 1/2 raised to k plus 1। तो ये 1 माइनस हो गया, वो तो एज इट इज रहेगा। अब इसके अंदर हमारे पास देखिए क्या है, 1/2 raised to k + 1/2 raised to k plus 1। तो इन दोनों का जो एलसीएम अगर हम ले ले तो क्या आएगा, 1/2 raised to k plus 1 राइट। क्योंकि इसको मैं लिख सकती हूँ 2 into 2 raised to k ओके, और ये है 2 raised to k। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, 2। अब ये माइनस बाहर आ गया है तो यहाँ पे माइनस, ये यहाँ पे 1/2 raised to k plus 1 हो गया। अब देखिए 2 - 1 = 1 और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो 1/2 raised to k plus 1। सो हैंस प्रूव्ड हमने यही लाना था। तो क्या होगा हमारा आंसर, यस सेम थिंग। सो देयरफॉर पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू व्हेन एवर पी ऑफ के इज ट्रू, एंड हैंस द स्टेटमेंट पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो नेक्स्ट एग्जांपल इज 1/2 × 5 + 1/5 × 8 + 1/8 × 11 अप टू 1/3n - 1 × 3n + 2 इज इक्वल्स टू n/6n + 4। अच्छा अब इसको देख के ही लग रहा है कि हमें जो हमारा पी ऑफ के प्लस वन है वहाँ पे थोड़ी दिक्कत होने वाली है, लेकिन हम तो कुछ भी कर सकते हैं राइट। तो सेम पहले के जैसे ही जाना, ये हमारा पी गिवन पी ऑफ एन है कि तो गिवन पी ऑफ एन इज इक्वल्स टू दिस।
नाउ फॉर एन इक्वल्स टू वन पी ऑफ वन इज ट्रू, ये हमें प्रूव करना है. तो फॉर एन इक्वल्स टू वन पी ऑफ वन क्या हो जाएगा, पी ऑफ वन 1 अपॉन 2 इंटू 5 विच इज 1 अपॉन 10. अब राइट हैंड साइड में देखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन 6 इंटू 1 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 10. देयरफॉर पी ऑफ 1 इज ट्रू. ओके, सो नाउ सेम थिंग, अज्यूम दैट फॉर एन इक्वल्स टू के, फॉर एनी के बिलोंग्स टू एन, पी ऑफ के इज ट्रू. सो विल राइट पी ऑफ के इज 1 अपॉन 2 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 8 अप टू 1 अपॉन 3k minus 1 into 3k plus 2 is equals to k upon 6k plus 4, which is our equation number 1. So now we shall prove that p of k plus 1 is true whenever p of k is true. So now we will prove that p of k plus 1, and p of k plus 1 is 1 upon 2 into 5 plus 1 upon 5 into 8 प्लस अप टू 1 अपॉन 3k माइनस 1 इंटू 3k प्लस 2. नाउ वी हैव टू पुट k प्लस 1 इन प्लेस ऑफ k. सो 1 अपॉन 3k प्लस 3 माइनस 1 विच इज 3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 3 प्लस 2 विच इज 3k प्लस 5. ओके, तो ये हो गए हमारे k प्लस 1 टर्म. नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, this first k terms is equals to k upon 6k plus 4 plus 1 upon 3k plus 2 into 3k plus 5. okay, now क्या कर सकते हैं, k upon, देखिए we can common out 2 from this, which is 2 into 3k plus 2 plus 1 upon 3k plus 2 into 3k plus 5. ओके, देखिए अब क्या मिल रहा है हमें, कॉमन निकल रहा है 1 अपॉन 3k प्लस 2, राइट, ओके, व्हिच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3k प्लस 2 विल कॉमन आउट. सो इन ब्रैकेट वी हैव k बाय 2 प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 5. ओके, क्या कर सकते हैं अब, कुछ नहीं, एलसीएम ही ले लेते हैं ना, वही कर सकते हैं अभी तो. k अप 1 अपॉन 3k प्लस 2 इन ब्रैकेट क्या हो सकता है, 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3k प्लस 5. ओके, अब एक बार यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें लाना क्या है, n अपॉन 6n प्लस 4, मतलब n की जगह पे अगर मैं k प्लस 1 रखूँ तो क्या आना चाहिए, k प्लस 1 अपॉन 6 इंटू k प्लस 1 प्लस 4, ये मेरा आंसर होना चाहिए, राइट. तो हमें इसके ऊपर भी ध्यान देना है कि मुझे लाना क्या है एक्चुअल में. ओके, अब ये देखिए 6k प्लस 6 प्लस 4 मतलब क्या हो जाएगा, 6k प्लस 10, और 6k प्लस 10 यहाँ पे है देखिए 3 इंटू 2 विच इज 6k प्लस 10. तो मैं यही पे कर देती हूँ, क्या हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3k प्लस 2 इंटू 6k प्लस 10. तो अब इसके हमें ये लाना है, तो इसके ऊपर से ये तो ऑब्वियस चीज़ है कि यहाँ पे जो हमारे पास एक होगा वो होगा 3k प्लस 2, राइट, 3k प्लस 2 हमें मिलने ही वाला है, ऑब्वियस चीज़ है. तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो इसको हम देखते हैं क्या हो सकता है, तो k प्लस 1 भी हो सकता है, देखते हैं 3k स्क्वायर, कि अगर k की जगह माइनस 1 लिखे, हम अगर माइनस 1 रख ले तो क्या मिल रहा है, अगर माइनस 1 रखे तो 3 प्लस 5 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 5, 3 माइनस 5 इज यस माइनस 2 प्लस 2 इज 0. अगर ये हमें मिल रहा है मतलब यहाँ पे कहीं पे हमारे पास k प्लस 1 भी आएगा. ओके, तो k प्लस 1 क्यों, क्योंकि हमें ऊपर k प्लस 1 लाना है, ऑब्वियसली चीज़ है ऊपर k प्लस 1 लाना है, मतलब एक इसका होगा k प्लस 1 और दूसरा 3k प्लस 2 नहीं है, मतलब दूसरा होगा 3k प्लस 2, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे. ओके, वी कैन चेक इट, क्योंकि हमें कोई मिस्टेक तो नहीं किया ना, तो वी कैन चेक इट. तो अब हम चेक करेंगे कैसे, k प्लस 1 हमें लाना है तो k प्लस 1 ही लाएंगे. तो क्या कर सकते हैं, 3k स्क्वायर प्लस 3k अगर मैं ये कर दूँ, ओके, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से के 3k कॉमन निकलेगा, 3k कॉमन निकला तो मेरे पास क्या बचेगा, k प्लस 1, राइट. अब 3k स्क्वायर प्लस 3k मतलब 3k स्क्वायर आ गया प्लस 5k है, तो क्या बचा, 2k,
प्लस टू। अब इन दोनों में से टू अगर कॉमन निकल जाए तो क्या बचेगा, के प्लस वन, मतलब मुझे के प्लस वन मिल गया। ओके, और ऊपर की ये जो इक्वेशन है वो भी आ गई, मतलब 3k² प्लस 3k प्लस 2k प्लस 2। और आपको जैसे आता है आप वैसे भी कर सकते हैं, 3 × 2 6, 6 का आपको ये पार्ट निकालना है कि जिससे 5 मिले, तो मतलब 3 × 2 मतलब 3 + 3 + 2 उससे भी हो जाएगा, अपॉन 3k + 2 × 6k + 10 तो विच इज इक्वल्स टू, अब क्या हमने देखा ये 3k कॉमन निकलेगा तो अंदर अंदर बचेगा k प्लस वन, फिर यहाँ पे 2 निकलेगा तो अंदर बचेगा k प्लस वन विच इज इक्वल्स टू सॉरी डिवाइडेड बाय 3k + 2 × 6k + 10। अब मैं यहाँ पे साइड में लिख रही हूँ, देख लीजिएगा, विच इज इक्वल्स टू अब क्या आएगा, k प्लस वन इंटू 3k + 2 डिवाइडेड बाय 3k + 2 × 6k + 10। 3k + 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, k प्लस वन अपॉन 6k + 10 जो मुझे चाहिए था। फिर भी मैं इसको लिख लेती हूँ, k प्लस वन अपॉन 6 × k + 1 + 4। सो हैंस पी ऑफ k प्लस वन इज ट्रू वैन एवर पी ऑफ k इज ट्रू, देर फॉर द स्टेटमेंट पी ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 1/1 × 2 × 3 प्लस 1/2 × 3 × 4 प्लस अप टू 1/n(n+1)×(n+2) इज इक्वल्स टू (n+3)/4×(n+1)×(n+2)। ओके, सो सेम प्रोसीजर वी विल प्रूव that for n equals to 1 p of 1 is true, after that we'll assume p of k is true, and after that from p of k we will prove that p of k plus 1 is true, and therefore we can write that p of n is true. So first of all, agar yahan pe hai hamara given p of n is 1/1 × 2 × 3 plus 1/2 × 3 × 4 and up to 1/(n)(n+1) up to (n+2) which is equals to (n)(n+3)/(4)(n+1)/(n+2). So first of all, for n equals to 1, p of 1 is 1/1 × 2 × 3 which is 1/6, and right hand side will be 1/(1+3)/4)/(1+1)/(1+2) which is equals to 1+3 = 4, so 4 will cancel out, so we have again 1/2 × 3, so which is equals to 1/6, and hence p of 1 is true. Ye ho gaya hamara. Next one is, assume that for p n equals to k, p of k is true. ये हमने assume किया हुआ है, तो p of k क्या हो जाएगा, 1/1 × 2 × 3 plus 1/2 × 3 × 4 up to 1/(k)(k+1)/(k+2) is equals to (k)(k+3)/(4)(k+1)/(k+2). Okay. सो नाउ वी शैल प्रूव दैट पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू वेन एवर पी ऑफ के इज ट्रू, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर वन। सो वी विल प्रूव फॉर पी ऑफ के प्लस वन, पी ऑफ के प्लस वन इज 1/1 × 2 × 3 प्लस 1/2 × 3 × 4 अप टू 1/(k)(k+1)/(k+2) प्लस पुट के प्लस वन टर्म विच इज 1/(k+1)/(k+2) (k+3)। ओके, फर्स्ट k टर्म्स इज इक्वल्स टू बाय इक्वेशन नंबर वन (k)(k+3) डिवाइडेड बाय 4(k+1)/(k+2) प्लस 1/(k+1)/(k+2)/(k+3)। राइट, अब क्या कर सकते हैं, (k+1)(k+2)/(k+1)/(k+2) दोनों कॉमन निकल जाएंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, 1/(k+1)/(k+2) एंड ब्रैकेट क्या बचा, (k)(k+3)/(4) प्लस 1/(k+3)। राइट, तो अब हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 4(k+3) इन दोनों का। राइट, तो अब हम लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा 4(k+3), सो 1/(k+1)/(k+2) एंड ब्रैकेट (k)(k+3)^2 + 4 / (4)/(4)/(3), तो ये सब आगे आ जाएगा,
वन बाय फोर इंटू के प्लस वन, के प्लस टू, के प्लस थ्री। अब इन ब्रैकेट क्या बचेगा, ये देखिए के प्लस थ्री होल स्क्वायर क्या होता है, के स्क्वायर प्लस सिक्स के प्लस नाइन प्लस फोर के। अब इसको हम लिखेंगे फोर के प्लस वन, के प्लस टू, के प्लस थ्री, ये तो एज इट इज ही है। ओके, अब ये क्या हो जाएगा हमारा, के क्यूब प्लस सिक्स के स्क्वायर प्लस नाइन के प्लस फोर। अब फिर से वही देख रहे हैं कि हमें लाना क्या है, क्या लाना है हमें, एन इंटू एन प्लस थ्री अपॉन फोर इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू। अब इन सब की जगह पे के प्लस वन रख दो तो क्या मिलेगा, के के प्लस वन लिख दिए तो क्या मिलेगा, के प्लस वन इंटू के प्लस फोर डिवाइडेड बाई फोर के प्लस टू के प्लस थ्री, मतलब ज़्यादा क्या है के प्लस वन, ऊपर हमें के प्लस वन चाहिए, राइट। तो क्या हो जाएगा, के क्यूब प्लस सिक्स के स्क्वायर प्लस नाइन के प्लस फोर डिवाइडेड बाई फोर इंटू के प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री। अब देखिए ऊपर तो हमें के प्लस वन चाहिए, ये एन है इसलिए, ओके तो के प्लस वन इसमें कहीं ना कहीं तो होगा। फिर से रखते हैं के की जगह पे माइनस वन, तो क्या मिलेगा, माइनस वन प्लस सिक्स माइनस नाइन प्लस फोर हो गया ज़ीरो, राइट। तो क्या करेंगे, लिखते हैं के क्यूब प्लस के स्क्वायर, के स्क्वायर कॉमन निकला तो क्या मिलेगा, के प्लस वन। अब कितने बचे, फाइव के स्क्वायर, क्यों, यहाँ पे सिक्स के स्क्वायर थे, के स्क्वायर आ गया तो फाइव के स्क्वायर बचे, तो प्लस फाइव के, ये टर्म तो हमारी हो गई थी, अब यहाँ पे से फाइव के अगर कॉमन निकाल लिए हमने तो क्या बचा, के प्लस वन, राइट। तो अब फाइव के है, यहाँ पे कितने थे, नाइन के, तो क्या बच गया, फोर के प्लस फोर ऑलरेडी है, तो यहाँ से फोर कॉमन निकल गया तो क्या मिलेगा, के प्लस वन अपन फोर इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस टू इंटू के प्लस थ्री। ओके, तो अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख दूँ तो चलेगा, जी नहीं, क्यों नहीं चलेगा, चलेगा, के प्लस वन, देखिए यहाँ से क्या निकला था, के स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या निकला था, फाइव के प्लस यहाँ से क्या निकला था, फोर डिवाइडेड बाय फोर इंटू के प्लस वन के प्लस टू इंटू के प्लस थ्री। अब क्या होगा, ये के प्लस वन तो कैंसिल हो गया, लेकिन हमें के प्लस वन चाहिए था, के प्लस वन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, फिर से के प्लस वन करना पड़ेगा। अब देखिए फिर से, यू ऑल आर इंटेलिजेंट, के स्क्वायर प्लस फाइव के प्लस फोर, फोर के क्या पार्ट पढ़ सकते हैं, यस वन इंटू फोर, दैट इज के प्लस वन इंटू के प्लस फोर डिवाइडेड बाय क्या है, फोर इंटू के प्लस टू इंटू के प्लस थ्री। देखिए हमें क्या चाहिए, के प्लस वन, के प्लस वन प्लस थ्री डिवाइडेड बाय फोर के प्लस वन इंटू के प्लस वन प्लस टू हो गया हमारा आंसर। सो हैंस पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू वैन एवर पी ऑफ के इज ट्रू, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। हो गया सॉल्व, ओके कोई क्वेरी है क्या, अगर है तो कमेंट कर दीजिए, थैंक यू।